आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम शतक की। गेहूं के निर्यात पर लगी रोक, खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन और पड़ोसी मुल्कों की आवश्यकता के चलते लिया गया फैसला। राज्यों को 10वीं और 12वीं का इंप्रूवमेंट एग्जाम कराना होगा जरूरी, छात्रों को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी बोले, आईटी क्रांति के दौर में युवाओं को मार्गदर्शन नहीं मिला, लेकिन अब बदल चुके हैं हालात। यूएई के राष्ट्रपति के निधन पर पीएम मोदी ने जताई संवेदना, एक दिन का राजकीय शोक घोषित। दिल्ली के मुंडका में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पीएम मोदी और सीएम केजरीवाल ने व्यक्त किया शोक। पीएम मोदी ने दिल्ली के मुंडका में हुए अग्निकांड में मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से 2-2 लाख के मुआवजे की घोषणा की, घायलों को 50,000 की घोषणा। चिंतन शिविर में उठी मांग, कांग्रेस अध्यक्ष हो कंसिस्टेंट लीडर, राहुल गांधी बने अध्यक्ष। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील चंद्र बोले, जम्मू कश्मीर में पूरी आबादी को दिया गया प्रतिनिधित्व। एलन मस्क की ट्विटर डील को रोकने के बाद सीईओ पराग अग्रवाल ने कहा, हमारा काम ट्विटर को मजबूत बनाना। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती देने वाली याचिका पर मांगा जवाब। मिशन अमृत सरोवर को रफ्तार पकड़ाने को सक्रिय हुए कई मंत्रालय, हर जिले में 75 सरोवरों का काम निर्माण। सीबीएसई की नई चेयरपर्सन बनी आईएएस निधि छिब्बर, विनीत जोशी की लगेगी जगह। मुंडका अग्निकांड में पुलिस का एक्शन, फैक्ट्री मालिक के दोनों बेटे गिरफ्तार। लश्कर का आतंकवादी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों और वीआईपी पर हमले की बना रहा था योजना। मध्य प्रदेश के नौगांव में सबसे अधिक 48 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड, देश में दूसरा सबसे गर्म जगह। वाराणसी के ज्ञान व्यापी मस्जिद में एडवोकेट कमिश्नर की कार्यवाही, तहखाने में सर्वे शुरू। यूपी जल्द बनेगा 32 करोड़ कोविड टीके की डोज देने वाला पहला प्रदेश, वैक्सीनेशन से एंटीबॉडी हुई बेहतर। अलीगढ़ में सोना जड़ित जामा मस्जिद पर खड़ा हुआ विवाद, नगर आयुक्त ने दी सफाई। बसपा प्रमुख मायावती ने की दिल्ली के मुंडिका में लगी आग की उच्च स्तरीय मांग की जांच की मांग, बोली दोषियों को मिले सख्त सजा।
राजस्व परिषद से सेवानिवृत्त निजी सचिव विवेकानंद डोबरियाल पर कसा शिकंजा, अब 50,000 का इनाम। ज्ञानवापी के सर्वे के बीच में भाजपा सांसद साक्षी महाराज बोले, ज्ञानव्यापी तो भगवान शिव का स्थान, विवाद का कोई मतलब नहीं। रामनगरी अयोध्या में 2.5 किलोमीटर लंबी सीता झील, खोदाई से निकली मिट्टी का इस्तेमाल होगा बांध में। वाराणसी में सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, अयोध्या में सभी पंत और संप्रदायों को आवंटित होगी भूमि। दिल्ली अग्निकांड से लेना होगा सबक, मेरठ में फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स तक में मानक अधूरे। कारोबारी पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, जब्त की जाएगी 107 करोड़ की संपत्ति। अवैध कारतूसों की तस्करी, प्रशासन की नाकामी या लापरवाही, अमरोहा में पहुंचती रही कारतूसों की खेप, भनक भी नहीं लगी। हवा में बढ़े धूल के कण, प्लेस सार्वजनिक प्रदूषित जगह, आवारा विकास कॉलोनी में स्वच्छ हवा। उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, बिहार से दिल्ली जा रही बस पलटने से 25 यात्री जख्मी। नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, जारी वारंट पर रोक की अवधि बढ़ाई गई। मेट्रो ट्रेन को मिलेगी हाई स्पीड पहियों के मेंटेनेंस के लिए खास मशीन। केंद्र तक पहुंचा जहरीली गैस फैलाने का मामला, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी। पीलीभीत में खेत की रखवाली करने गए किसान की गोली लगने से मौत। मेरठ से सहारनपुर जा रही कोयले से भरी मालगाड़ी के वैगन में लगी आग, बड़ा हादसा टला। मेरठ में बचत भवन में बनाए गए कोविड कंट्रोल रूम में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, मची अफरा तफरी। सरकार के आदेश पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, 3 अवैध कॉलोनियों पर गर्जा महाबली, अवैध कमरे ध्वस्त, सड़कों से हटाए कब्जे। पीलीभीत में डिप्टी जेलर की मौत, सरकारी आवास में मिला शव, पुलिस ने शुरू की तफ्तीश। यूपी में मॉनसून के दौरान कहीं पर भी नहीं दिखेगा जलभराव, नगर विकास मंत्री एके शर्मा के अफसरों को निर्देश, करवा लो साफ सफाई। जागरूकता के अभाव में नहीं मिल रहे हैं काले गेहूं के खरीदार, सेहत के लिए फायदेमंद है काला गेहूं। वरुणा नदी के बदले की सूरत, सफाई खुदाई और किनारों पर पौधारोपण के डीएम प्रयागराज ने दी मंजूरी। चंदौली में पुलिस की दबिश के दौरान युवती की मौत की जांच करने पहुंची सीबीआई की टीम, परिजनों ने टीम को लौटाया।
डबल मर्डर से दहला फरीदाबाद, बेटे ने बुजुर्ग मां बाप की हत्या की। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, बदमाशों ने महिला की चेन छीनी। कुशीनगर में अंतरजनपदीय वाहन चोरी गैंग का पर्दाफाश, 8 चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुरादाबाद में पुलिस ने हत्याकांड का किया खुलासा, महिला ही निकली पति की कातिल, प्रेमी प्रेमिका को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सुब्रत राय पर पटना हाई कोर्ट हुआ सख्त, कोर्ट में पेश नहीं होने पर अरेस्ट वारंट किया जारी। उत्तरकाशी में चार धाम यात्रा 2022 के दौरान सुविधा देने के लिए पड़ावों पर खुले ढाबे, लेकिन यात्री 80 और 100 रुपए की एक मैगी खाकर भर रहे पेट। मैदानी इलाकों में परेशान कर सकती है गर्मी, लेकिन पहाड़ों के लिए अच्छी खबर आई सामने। योग गुरु बाबा रामदेव के साथी स्वामी मुक्तानंद का निधन, संत समाज और हरिद्वार में शोक की लहर। बैंक्वेट हॉल के अंदर चल रही थी शादी, बाहर कार से टप्पेबाज ने उड़ाए दुल्हन के लाखों के जेवरात। ऋषिकेश में दो कैंप संचालकों के बीच विवाद में कर्मचारी की धारदार हथियार से हत्या, पुलिस ने 3 को लिया हिरासत। जन सहभागिता से बनेगा धामी सरकार का बजट, प्रतिनिधि समूहों से बातचीत कर लिया जाएगा सुझाव। कारबेट में नियम तोड़ रहे 7 लोगों की जिप्सिया बैन, बाघ के नजदीक ले जा रहे थे वाहन। उत्तरकाशी के छोटे से गांव की बेटी ने किया एवरेस्ट फतेह, इससे पहले भी कई चोटियों पर फहरा चुकी है तिरंगा। उत्तराखंड के केदारनाथ में हेलीपैड का विस्तार कर बनेगा हेलीपोर्ट, यात्री सुविधाओं का भी किया जाएगा विस्तार। उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नियम के खिलाफ नियुक्त मामले में कुलपति की होगी विजिलेंस जांच, अगले हफ्ते जारी होगा शासनादेश। तीर्थयात्रियों के लिए राहत भरी खबर, यात्रा मार्ग पर अधिक किराया वसूली से मिलेगा छुटकारा। उत्तराखंड में 22,000 प्राथमिक शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट, बनाई जाएगी 1,124 स्मार्ट क्लास और 940 आईसीटी लैब। हरिद्वार में देर रात भगवानपुर टोल प्लाजा पर युवकों ने जमकर किया हंगामा, कार में आग लगाने की दी धमकी। रुड़की में विधायक के करीबी समेत 3 पर धोखाधड़ी का मुकदमा, कोर्ट के आदेश पर कोतवाली पुलिस ने की कार्रवाई। यूटीयू के 6ठे दीक्षा समारोह में राज्यपाल ने 49 छात्रों को स्वर्ण पदक से किया सम्मानित, 48 शोधार्थियों को मिली उपाधि। संकट में घिरे श्रीलंका के फिर भारत का साथ, मोदी सरकार ने दी 65,000 मीट्रिक टन यूरिया देने की मंजूरी।
नॉर्थ कोरिया में बुखार से मौत में हुआ इजाफा, फीवर से अब तक 21 लोगों की हुई मौत। कोरोना से सहमे किंग जोंग तानाशाह नेता किंग जोंग उन ने कहा, कोविड-19 के चलते उत्तर कोरिया कर रहा अपने इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना। न्यूजीलैंड की पीएम जेसिंडा अर्डन को हुआ कोरोना, ट्वीट कर दी जानकारी। यूएनएससी ने अल जजीरा के पत्रकार शिरीन अबू अकलेहो की हत्या की स्वतंत्र जांच की मांग की। इजराइल के पीएम ने लगाया फिलिस्तीन पर मौत का आरोप। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद पहली बार अमेरिकी रक्षा मंत्री ने रूसी समकक्ष के साथ की बातचीत, तत्काल युद्ध विराम का आग्रह किया। यूक्रेनी सेना ने काला सागर में रूसी मालवाहक जहाज पर किया हमला, पेंटागन प्रमुख ने रूसी समकक्ष से की युद्ध विराम की अपील। बैंक नोट पर ज्यादा देर जीवित नहीं रहता कोरोना वायरस, से डेबिट और क्रेडिट कार्ड जैसे प्लास्टिक मनी पर घंटों तक रहता है सक्रिय। पुतिन का तख्ता पलट करने का काम जारी, इस साल के आखिर तक जंग हार जाएगा रूस, यूक्रेन के बड़े अफसर का दावा। चीन कर रहा है एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण, सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। वस्तु निर्यात में 30% तो सेवा निर्यात में 53% की वृद्धि। एथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्के की खेती को सरकार का मिलेगा पूरा प्रोत्साहन। पीएनबी अगले महीने से बढ़ाने जा रहा है कर्ज की दरें, बढ़ जाएगा ईएमआई का बोझ। आईसीआईसीआई बैंक ने एफडी की ब्याज दरों में फिर किया इजाफा, ग्राहकों को मिलेगा लाभ। एनपीए घटने से एसबीआई को रिकॉर्ड 9114 करोड़ का फायदा, बैंक ऑफ बड़ौदा को 1779 का मुनाफा। दुनिया भर के निवेशकों के डूब गए 40 अरब डॉलर, भारतीय एक्सचेंजों से डिलिस्ट हुई करेंसी। हरियाणा के सोनीपत में 11,000 करोड़ रुपए के निवेशों से मारुति सुजुकी लगाने जा रही है नया प्लांट। पीएम मोदी ने लॉन्च की मध्य प्रदेश की नई स्टार्टअप पॉलिसी, मिलेगा वर्कप्लेस का किराया, कर्मचारियों का भी वेतन। सीईओ एलन मस्क का बड़ा ऐलान, कहा फिलहाल होल्ड पर है ट्विच डील। एसबीआई ने पेश किए मार्च तिमाही के नतीजे, 41% बढ़ एकल शुद्ध लाभ, बैंक का फंसा हुआ कर्ज हुआ कम। पंजाब के खिलाफ मैच में हेजलवुड ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड, युवा गेंदबाज को छोड़ा पीछे। धमाकेदार जीत से पंजाब के प्लेऑफ की दावेदारी हुई मजबूत, टीमों के लिए बनाई खतरे की घंटी।
मयंक ने की अपने बल्लेबाजों की तारीफ, गेंदबाज को बताया टीम का लीडर। कप्तान डुप्लेसिस ने बल्लेबाज जॉनी बेयरस्टो को बताया हार का कारण, कहा उसने गेंदबाजों को दोबारा मौका दिया। तीन मैचों से खामोश है बटलर का बल्ला, बावजूद इसके ऑरेंज कैप की लिस्ट में है टॉप पर। सात छक्के चढ़ते हुए बेयरस्टो ने बना डाला इस सीजन पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड। काली बिल्ली ने रोका आईपीएल 2022 में बैंगलोर और पंजाब का मुकाबला। आईपीएल में धमाल मचा रहे जम्मू कश्मीर के गेंदबाज पर पाकिस्तानी क्रिकेटर का बयान, हमारे यहां होते तो इंटरनेशनल खेल जाते। लखनवी अंदाज में नजर आए एलएसजी प्लेयर्स, जेसन होल्डर ने गाया अरिजीत सिंह का दर्द भरा गाना। चहल के हाथ से निकली पर्पल कैप, श्रीलंकाई स्पिनर ने जमाया कब्जा। वरुण धवन ने जुग जुग जियो के प्रमोशन के दौरान किया कियारा आडवाणी को तंग, परेशान होकर एक्ट्रेस ने कहा बस करो यार। सुहाना खान, खुशी कपूर और अगस्त नंदा की द आर्चीज का फर्स्ट लुक आउट, मस्ती करते दिखे स्टार किड्स। एक्टर करण कुंद्रा ने खरीदा 20 करोड़ का ड्रीम घर, तेजस्वी प्रकाश भी हो सकती है शिफ्ट। फिल्म कभी ईद कभी दिवाली के सेट से सलमान खान का फर्स्ट लुक आउट, फैंस हुए एक्साइटेड। पूजा हेगड़े ने पहना सलमान खान का लकी ब्रेसलेट, कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग शुरू। फिल्म जुग जुग जियो का मोशन पोस्टर आउट, इस दिन होगी सिनेमाघरों में रिलीज, डेट आई सामने। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने तोड़ी चुप्पी साउथ सिनेमा को लेकर, कहा मैं वो भाषा नहीं बोलता लेकिन मैं उन फिल्मों से प्रभावित हूं, भारतीय सिनेमा एक है। फिल्म जनहित में जारी का पहला गाना पर्दादारी रिलीज, जावेद अली की आवाज का चला जादू। थाईलैंड की बुजुर्ग महिला ने गंगूबाई को किया कॉपी, आलिया भट्ट ने दिया रिएक्शन। बॉलीवुड एक्टर अभिमन्यु दसनानी के फिल्म निकम्मा का मोशन पोस्टर आउट, अब जल्द रिलीज होगी फिल्म का ट्रेलर। प्राइम शो तक में फिलहाल इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।